हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस है। एक्चुअली मैं आज आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। थोड़ा सा मुझे टेंशन हो गया था वो चीज़ को लेके। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी से पूछूं। तो मैंने किसी एक दो जन से जब बात की तो उन्होंने बोला, आप मैम प्लीज़ वो जो आपको कोई भी कमेंट कर रहा है उसको बिल्कुल भी आप रिप्लाई ना करें, ये आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, बहुत बहुत बुरा साबित हो सकता है। तो प्लीज़ आपको जो आप जो सामने वाला बंदा आपको कमेंट कर रहा है उसको बिल्कुल बिल्कुल भी आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड, जब मैंने जो अभी हाल ही में जो दो वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसके ऊपर जैसे मैंने वीडियो अपलोड की तो कुछ ही सेकेंड में मुझे एक मैसेज आ गया जिसमें लिखा था, मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगी। तो अरे यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोगों को ऐसा क्या मिलता है यार, ऐसा क्यों करते हो? दूसरे जो इतने मेहनत से वीडियो बनाते हो आप, उसमें ऐसा कमेंट डाल देते हो, उनके जो चैनल पे क्या असर पड़ता होगा आप सोचते हैं? इतना स्ट्रगल करने के बाद कोई बंदा अगर आगे जाता है तो अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं करो। आप लोग सब अपने मेहनत से यहाँ पे टिके रहने के लिए कोशिश करते हैं, इतना मेहनत करके आज YouTube पे मुकाम बना रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते यार। मुझे वो कमेंट देख के मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया। जब मैंने वो कमेंट को क्लिक किया, मैंने देखा कि वो जो बंदा है वो कौन है, मैं चेक करना चाह रही थी। मैंने मन में ये भी सोच लिया कि उनको बोलूँ, भाई ऐसे आप कमेंट मत करो, इससे मेरे चैनल पे इफेक्ट हो सकता है, कम्युनिटी गाइड स्ट्राइक लाइन जो भी बोलते हैं वो आ सकता है। तो मैंने जब उनके वहाँ पे जो कमेंट पे क्लिक किया तो उसमें मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा मैं किसी और से पूछूँ कि इसका क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जिससे भी मेरी बात हुई उन्होंने बोला कि आपको कमेंट का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है, आपको वो जो कमेंट का जो है उसको आपको ब्लॉक कर लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये जो कमेंट है मैं यहाँ पे शो कर दूंगी, तो आप देख लेना। अगर फ्रेंड्स आपको भी कोई ऐसा कमेंट आता है तो प्लीज़ आप भी उसका रिप्लाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके ये यूट्यूब के लिए बहुत ही बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है, आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सतर्क रहे, ऐसे अगर कोई भी कमेंट आए तो उसका आप कंप्लेंट करें, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो छोटा सा चैनल है मुझे उसमें ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है कि क्या करना है। तो जो भी बड़े यूट्यूबर्स है प्लीज़ सर जल्दी जल्दी इसके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दें, हम लोग छोटे यूट्यूबर जो है वो भी बच जाएंगे ये सब चीज़ों से। तो प्लीज़ जो भी बड़े यूट्यूबर है सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी ये जो कमेंट्स आ रहा है उसके लिए कोई तो एक अच्छा वीडियो बनाए जिससे सबको समझ में आए कि ये वीडियो क्या फेक है या फिर किसी चीज़ का वायरस है, पता नहीं जो भी है, तो उसका प्लीज़ हल निकालें। मेरी तरफ से आप सबके लिए रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब लोग वीडियो देखें और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालें। एक्चुअली मुझे ये जो कमेंट्स है इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर भी जब मुझे ये कमेंट आया तब से मुझे भी टेंशन हो गया है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। अगर मेरा वीडियो बनाना आपको गलत लगता है तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन मेरा किसी का मतलब दिल दुखाने का काम नहीं था। जो मुझे कमेंट्स आया जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर गई, तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात करके आप लोगों से पूछूँ कि ये कमेंट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। तो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर बड़े यूट्यूबर है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये कमेंट के ऊपर कोई वीडियो अच्छा बनाए, जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दे, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है।